और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग रही और साथ ही इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, केमिकल फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से धमाके से बड़ी स्थिति में आग लग गई और बासनी इंडस्ट्री एरिया में ये आग लगी और इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस फैक्ट्री में आग लगने से स्थानीय लोग घबरा गए और साथ ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल और प्रशासन मौके पर पहुंचा और जैसे तैसे लगातार कोशिश की जा रही है कि इस आग पर बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वन संवाददाता दयाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। जय दयाल सिंह, केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, लगातार क्या दमकल गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा आज अभी आधा घंटा पहले यह आग लगी है इस फैक्ट्री में। कम से कम 4 से 5 सिलेंडर फटे हैं इस फैक्ट्री में। साथ ही जो केमिकल राजस्थान कॉस्टिंग केमिकल फैक्ट्री है, इसमें आग लगी है जो भीषण रूप ले चुकी है। साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 के करीब गाड़ियां आ चुकी है जो आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अब यह खतरा बन गया है कि पास की जो फैक्ट्री है उसमें भी आग फैल सकती है। प्रशासन पूर्ण तो सतर्क है लेकिन आग अभी भी काबू नहीं आ रही है। दयाल सिंह, जिस तरह से आप लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या इस आग से कोई बड़ा नुकसान होने की खबर आई? जिस तरह से नुकसान तो बड़ा हो गए होंगे, साथ ही जो आसपास की जो 4 से 5 फैक्ट्री है वो भी चपेट में आ सकती है इसके आग के। प्रशासन पूर्ण तो प्रयास कर रहा है लेकिन अभी भी आग नियंत्रण में नहीं आ रही है। अजीत दयाल सिंह, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जोधपुर में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन लगातार इस पर आग बुझाने के लिए प्रशासन सतर्क है और लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा हादसा होने के साथ साथ ये भी डर है कि आसपास की फैक्ट्रियों में कहीं ये आग ना पहुंच जाए और कहीं कोई विकराल रूप धारण करके एक बड़ा हादसा ना हो जाए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।